हुए नजर आए। ये पांच चेहरे जो अब मोदी कैबिनेट में नजर आएंगे, ये पांच चेहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान, और उसके बाद सिंधिया भी शामिल किए गए हैं मोदी कैबिनेट में। वीरेंद्र कुमार भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। दुर्गादास उइके हैं, उनको भी जगह मिली है। साथ ही साथ सावित्री ठाकुर भी, उन्हें भी जगह दी गई है, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। तो पांच बार सदस्य रह चुके, संसद सदस्य रह चुके हैं। 2021 में कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनाया गया था इन्हें। सिंधिया को 5,40,000 से ज्यादा वोटों से इन्होंने जीत भी दर्ज की थी। एमपी की गुना सीट से सांसद ये चुने गए थे। पांच बार संसद सदस्य रह चुके हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए और उसके बाद जो है तख्ता पलट हुआ मध्य प्रदेश का, और उसके बाद अब भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की। वीरेंद्र कुमार का जिक्र करते हैं, इन्हें भी जगह मिली है। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री रह चुके हैं वीरेंद्र कुमार, पिछली सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, अनुसूचित जाति वर्ग का बड़ा चेहरा ये माने जाते हैं। 8 बार के सांसद हैं वीरेंद्र कुमार, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री भी रह चुके हैं। तो वहीं दुर्गादास उइके का जिक्र करें तो इन्होंने बड़ी जीत दर्ज की, लगभग 4 लाख वोटों से जीते। राजनीति में आने से पहले ये शिक्षक थे और संघ के भी बेहद करीबी ये माने जाते हैं। वहीं सावित्री ठाकुर का अगर हम जिक्र करें तो ये दूसरी बार सांसद बनी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, और इन्हें अब मौका दिया गया है मोदी कैबिनेट में। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से मोदी कैबिनेट में एक मंत्री बनाए गए हैं, तोखन साहू, जिन्हें मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री बनाया गया। बिलासपुर से सांसद हैं तोखन साहू, पहली बार सांसद बने हैं तोखन साहू, और इन्हें अब जो है मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ से पहले भी एक ही जो है, हमेशा से हमने देखा है कि पिछली बार की अगर हम बात करें तो एक ही यहां से मंत्री लिया गया था, और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर और नया चेहरा मोदी ने यहां पर, नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया और इन्हें मैदान में उतारा, जीत इन्होंने दर्ज की और अब ये मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। लोरमी से विधायक रह चुके हैं तोखन साहू। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव को इन्होंने भारी मतों से हराया। बिलासपुर लोकसभा से ये इन्होंने जीत दर्ज की। 7 लाख से ज्यादा इन्हें वोट मिले थे। लोरमी से विधायक भी रह चुके हैं, किसान परिवार से आते हैं। नए चेहरे पर भरोसा जताया गया बीजेपी के द्वारा और इन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। और 6 तस्वीरें अब आपके सामने, देखिए शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें, दिग्गजों की ये तस्वीरें। शिवराज सिंह चौहान पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जो शपथ लेते हुए नजर आए। कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शपथ लेते नजर आए। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र खटीक की बात करें, उन्होंने शपथ ली। राज्य मंत्री दुर्गादास उइके को बनाया गया। सावित्री ठाकुर हैं, इन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया। और वहीं बात अगर तोखन साहू की करें तो इन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है। शपथ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, और इधर भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के घर पर लोगों की भारी भीड़ यहां पर जश्न मना रही थी। मामा के घर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जहां पर शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें दिखाने की व्यवस्था की गई थी। लोगों ने बड़ी स्क्रीन पर शपथ ग्रहण देखा। इस दौरान खूब आतिशबाजी की और लोगों ने खुशी जताई। लोकप्रियता मामा की, शिवराज सिंह चौहान की, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है। और जब वो शपथ आज ले रहे थे, मोदी कैबिनेट में शामिल हो रहे थे, उनके लोग, उन्हें प्रेम करने वाले, वो आतिशबाजी करते, खुशी मनाते हुए नजर आए।
और इधर रायसेन में भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर जमकर जश्न मनाया गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कार्यकर्ताओं ने यहां पर देखा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में जश्न मनाया और आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं मोदी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के सांसद शिवराज सिंह चौहान को भी शामिल किए जाने पर कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो गया था। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं टीकमगढ़ की। देखिए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के केंद्रीय मंत्री बनने पर जश्न यहां पर भी मनाया गया। वीरेंद्र कुमार के निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, पटाखे जलाए। आपको बता दें कि वीरेंद्र कुमार तीसरी बार केंद्र में मंत्री बने हैं। उनके मंत्री बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ से चौथी बार सांसद चुने गए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं और उससे भी ज्यादा खुशी हम लोग इसलिए है कि हमारे टीकमगढ़ के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय वीरेंद्र खटीक भाई साहब जी जो लगातार आठवीं बार अभी सांसद चुने गए हैं, 1996 से वो लगातार सांसद हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ ये एक आनंद उत्सव के रूप में हम लोगों ने मनाया है। मिठाइयाँ बांटी, पटाखे फोड़े और हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, गौरवान्वित हैं कि प्रधानमंत्री। और अब तस्वीरें ये देखिए, खरगोन की तस्वीर। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने पर यहां पर जश्न मनाया गया। बीजेपी जिला कार्यालय के बाहर आतिशबाजी हुई, कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और इसी दौरान कार्यकर्ता जमकर झूमे नाचते नजर आए। महिला मोर्चा की महिलाओं ने जमकर यहां पर डांस भी किया। आतिशबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने डांस किया, मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए, मिठाई भी एक दूसरे को खिलाई गई। और अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर जश्न किस तरह से मनाया गया। मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी ने यहां पर जश्न मनाया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और खुशियां यहां पर अलग ही देखने को मिली। जयस्तंभ चौक पर जश्न मनाया गया। ये देखिए आतिशबाजी, बीजेपी के झंडे लिए नारे लगाते, खुशी मनाते, मिठाई खिलाते ये सभी कार्यकर्ता नेता नजर आए। छत्तीसगढ़ में भी धूम देखी गई और यहां पर भी आतिशबाजी और खुशी का माहौल। ये रायपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये भी यहां पर देखिए, बिलासपुर में बीजेपी का जश्न यहां पर हुआ। मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर जश्न मनाया गया। तोखन साहू राज्य मंत्री बने हैं, बिलासपुर से सांसद हैं तोखन साहू। वहीं कवर्धा की तस्वीर देखिए आप, बीजेपी ने यहां पर भी जश्न मनाया। मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर जश्न मनाया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की, मिठाई खिलाई, खुशियां मनाई। वहीं मुंगेली में भी जश्न मनाया गया, मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर खुशी यहां पर जाहिर की गई, आतिशबाजी खूब, पटाखे यहां पर जलाए गए और जश्न इनके द्वारा मनाया गया। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी बने हैं प्रधानमंत्री। न्यूज 18 पर लोगों ने देखा है शपथ ग्रहण, बड़ी स्क्रीन पर देखा है शपथ ग्रहण। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, लोग बढ़ चढ़ करके देखते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में लोग न्यूज 18 पर शपथ ग्रहण देखते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी स्क्रीन लगाई गई न्यूज 18 की और लोग शपथ ग्रहण समारोह आज का देखते हुए नजर आए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं।